हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। आज हम पढ़ाने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट का, जिसको EL 207 के नाम से कोड बुक है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि इसमें आज कौन सा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम है। मेमोरी की टाइप्स क्या है, मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेमोरी इंटरफेसिंग एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग एंड डिफरेंस बिटवीन पेरिफेरल इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, इन सारे टॉपिक्स को मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ में कवर अप किया है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मेमोरी टाइप्स के बारे में और इसके वीडियोज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी बेसिकली कितने टाइप की होती है। मेमोरी प्राइमरी इज ऑफ टू टाइप एज गिवन हियर। मेमोरी हमारी बेसिकली दो टाइप की होती है, जिसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला हो गया इंटरनल मेमोरी, दूसरा हो गया एक्सटर्नल मेमोरी। और इंटरनल मेमोरी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी को हम बोल सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद अगर इसको हम देखो डायग्राम में देख लेते हैं एक बार, मेमोरी मैनेजमेंट ब्लॉक डायग्राम से, तो देखो इसमें क्या है। मेमोरी मेमोरी को बेसिकली दो भाग में डिवाइड किया, एक हो गया हमारा प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी। तो प्राइमरी को हम अगेन किस में डिवाइड होती है, रैम में और रोम में। रैम अगेन दो में होती है, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम। और रोम भी हमारी तीन भाग में हो रही है, रोम, EPROM, EROM, EEROM और EEROM भी होती है। उसके बाद होगी सेकेंडरी हमारी मैग्नेटिक मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल मेमोरी, हमारी CD ड्राइव। रैम में एक और होती है मास्ट रोम। तो इन सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये कौन कौन सी होती है, कैसे होती है, क्या इनकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक बार एक और देख लेते हैं। कई जगह पर आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एक ही बात है, चाहे वो प्राइमरी बोल लो या सेकेंडरी बोल लो या इंटरनल बोल लो या एक्सटर्नली बोल लो। जब इंटरनल की बात हो जाएगी तो वो ऐसी डिवाइसेज जो मेमोरी जो हमारी इंटरनली कनेक्ट होती है, जिसको हम बार बार रिमूव नहीं कर सकते, तो जैसी होती है, जैसे इसमें वापस अगेन वही आ गई, रैम आ गई, रोम आ गई। रोम में हमारी एम रोम है, मास्टर रोम है, प्रोग्रामेबल रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, ई रोम है, इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। इसमें स्टेटिक रैम होगी, डायनामिक रोम होगी। और जो रैम और रोम है, इन दोनों को हम प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं। पर इंटरनल के अंदर हमारी जो बेसिकली क्या क्या आ जाएंगी, ये कैश मेमोरी, वर्चुअल और सिक्वेंशल आ जाएंगी। ये हमारी प्राइमरी मेमोरी में नहीं आएंगी, बट ये किसके अंदर आ जाएंगे, इंटरनल मेमोरी के अंदर आ जाएंगी। और एक्सटर्नल मेमोरी हमारी कौन सी हो जाती है, ये मैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट डिवाइस, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल में हमारी होगी CD DVD हो गई, मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क ड्राइव्स हो गई, और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो रही है जो SSD आजकल आप देख रहे हो। उसके बाद होगी USB स्टिक्स, और ये सारी की सारी हो गई। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते प्राइमरी और हमारी जो इंटरनल एक ही है, एक्सटर्नल और सेकेंडरी एक ही है, बट मोस्टली जो इंटरनल जो बेसिकली कंटेन करती है रैम और रोम को, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी भी होती है। और ऐसे ही हम एक्सटर्नल में, तो अब एक एक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से रैम क्या होती है और उसको किस किस भाग में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में हमारी हो गई, एक होगी रैम, जिसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो इतनी देर से बोल रहे हैं रैम 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 होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी आपने कभी भी कोई लैपटॉप लेते हैं या कभी मोबाइल लेते हैं, तो उसमें हमेशा हमें स्पेसिफिकेशन देखते हैं भाई इसमें 3 GB रैम है या 4 GB रैम है, तो वही वाली रैम है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि दो भाग में डिवाइड होती है, स्टेटिक रैम, स्थाई रैम और डायनामिक रैम, स्थाई रैम और स्थाई रैम। उसके बाद हमारी होती है रोम। रोम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रोम हमारी चार भाग में डिवाइड होती है, एक होती है मास्टर रीड ओनली मेमोरी, दूसरी होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरी हो गई इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं EPROM, और होगी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली। तो हमारे रोम के अंदर बेसिकली ये चार होती हैं। उसके बाद आ जाती है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। ये सारे के सारे इंटरनल मेमोरी के पार्ट्स हैं। तो इनमें से हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें इंटरनल मेमोरी जो होती है उसमें क्या फीचर्स हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रैम के बारे में। उसके बाद आ गई हमारी एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी जो हो गई हमारी, जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गई, SSD आजकल देख रहे हो कि आप जो हमारी हार्ड ड्राइव के बजाय ये काफ़ी फास्ट होती है SSD। उसके बाद USB फ्लैश ड्राइव्स, तो ये सारी सारी हमारी क्या है, एक्सटर्नल ड्राइव्स है, जिसको हम चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो और एडिशनल लगा सकते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी और जिसे बोलते हैं हम इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज मेन मेमोरी। जो हमारी है प्राइमरी मेमोरी, इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं,
और इट इज वोलेटाइल. द रीजन बिहाइंड इज प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग दैट इट डज नॉट स्टोर द डेटा परमानेंटली. इसका मतलब यह है कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है और जो कि मेन मेमोरी है जिसको हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, ये क्या है, वोलेटाइल है नेचर में. कैसी है? वोलेटाइल है नेचर में, मतलब कि ये जब तक डेटा को कंटेन रखती है, जब तक हमारा प्रोग्राम और जब तक हमारा कंप्यूटर चालू है, जब तक हमारा कंप्यूटर चालू है जब तक ये डेटा को स्टोर रखेगा, अदरवाइज हमारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा. तो इसलिए हम कहते हैं इट डज नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली, तो ये डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती. इट आल्सो स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटा रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्टोर करती है और ऐसे डेटा को रिक्वायर्ड करती है जिसके से हमारा कंप्यूटर रन होता है. इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे. इट इज लिमिटेड कैपेसिटी मेमोरी ऑन डेटा और इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ. तो ये ऐसी है, ये लिमिटेड कैपेसिटी है, मतलब हम कहें कि जो रैम होती है उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसमें जो डेटा इंफॉर्मेशन होती है वो भी कम स्टोर की जाती है और जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाती है व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ. जैसे कि मैंने बताया था वोलेटाइल नेचर में. प्राइमरी मेमोरी जनरली कंस्ट्रक्टेड विद ए सेमी कंडक्टर डिवाइस, और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो जनरली कंस्ट्रक्टेड है किससे, सेमी कंडक्टर डिवाइस से. जो सेमी कंडक्टर डिवाइस है उससे हम प्राइमरी मेमोरीज को बनाते हैं. रजिस्टर्स आर मच फास्टर देन दीज मेमोरीज बट इट इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी. और इसमें क्या है कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी के बजाय ज़्यादा फास्टर है, बट प्राइमरी मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी के बजाय ज़्यादा फास्टर होती है. इट कंटेन ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड, और ये सारे के सारे कंटेंट और जो डेटा को इंस्ट्रक्शन जो भी हम रिक्वायर्ड होते हैं उनको प्रोसेस करने में काम आती है. इसके बाद आ जाते हैं हम ये दिखती कैसी है, तो इसका हम डायग्राम भी देख लेते हैं एक बार. जैसे कि अगर इसमें हम देखते हैं ये रही रैम, तो ये हमारी जो रैम है वो इस तरह की लगी हुई आपने देखी होगी. तो ये हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें बेसिकली हमने पाँच छः चीज़ पढ़ी है, और जो कौन कौन सी पढ़ी है, एक सबसे पहले वोलेटाइल है नेचर में. तो वोलेटाइल का मतलब ये है कि जब भी हमारी पावर स्विच ऑफ हो जाएगी या कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, उस दोनों रीजन है, कुछ भी हो जाए या पावर फेल्योर हो जाए या वैसे कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए, तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है, डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता. एक तो ये है इन वोलेटाइल नेचर में. दूसरा क्या है कि इसमें लिमिटेड कैपेसिटी है. तीसरा क्या है कि ये जनरली सेमी कंडक्टर डिवाइस से बनी रहती है. चौथा ये है कि वो सेमी कंडक्टर डिवाइस से तो फास्टर होती है बट रजिस्टर से स्लोअर होती है. और इट कंटेन ऑल द इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड, और ये सारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रखती है जो कि हमें प्रोसेस करने रखते हैं. तो इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं, इसके बाद आ जाती है हमारी प्राइमरी मेमोरी को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली. एक होती है रैम और एक होती है रोम. प्राइमरी इंटरनल मेमोरी को तो हम और भी पार्ट्स हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया था, जिसमें हमारी कैश मेमोरी सिक्वेंशियल होती है, पर प्राइमरी मेमोरी है वो मेनली दो ही होती है हमारी, रैम और रोम. मैंने जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को बता दिया है, तो उसमें यही है कि मोस्टली जो बेसिक पार्ट करती है, मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारी जो इंटरनल मेमोरी में वो है रैम और रोम है. तो इसलिए हम प्राइमरी को और इंटरनल को एक जैसा बोल सकते हैं कहें तो मोटे तौर पर बाकी का इंटरनल के अंदर और भी हैं जैसे कैश और वो सारी हैं, प्राइमरी के अंदर ओनली रैम और रोम होती है. तो अब हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे हम प्राइमरी मेमोरी, उसके दोनों टाइप्स, और अगर रैम है तो रैम के कौन से टाइप्स हैं, और इनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वीडियो बनाने वाले हैं. थैंक यू.